साथियों, आज हम आपको एक सच्ची घटना सुनाते हैं। इस कहानी को सुनकर आप समझना कि हम क्या कहना चाहते हैं, और हमारी सरकार से भी यही मांग है कि वो इस ओर ज़रा ध्यान दें। तो एक वृद्ध व्यक्ति की हम कहानी सुनाते हैं। एक बाबा हैं जिनकी उम्र रही है ऐसी 85-90 साल, और उनकी पत्नी है, उनकी भी उम्र ऐसी होगी 78 साल। और पत्नी को कैंसर भी है, पत्नी को लिवर की भी प्रॉब्लम है, पत्नी को बहुत सारी बीमारियां हैं, और अति वृद्ध हैं, अति कमज़ोर हैं। और जो बाबा जी हैं, उनका मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ है, उनको भी कई सारी बीमारियां हैं, वो भी बहुत ही गरीब हैं, बहुत ही कमज़ोर हैं, और किसी तरह कच्चे मकान में रहते हैं, और उनका जीवन बड़ा ही कठिन है। एक बार डॉक्टर साहब उनसे कहते हैं, बाबा जी, ताई जी की तबीयत बहुत ख़राब चल रही है, इनको कुछ पच नहीं रहा है, तो कुछ फ्रूट वगैरह ले आया करो बाबा, ताई जी को कुछ फल वगैरह खिलाओ। बाबा जी सोचते हैं कि फल तो बहुत महंगे आते हैं, चलो अपने एक मित्र से कुछ रुपए उधार लिए जाएं। तो वो अपने एक पुराने दोस्त से रुपए उधार लेते हैं और फल वाले के पास पहुंचते हैं। फल वाला कहता है, और बाबा जी क्या चाहिए? कहते हैं, सेब दे दो। कितने सेब? आधा किलो सेब दे दो। फल वाला उन्हें नीचे से ऊपर की तरफ देखता है, और वो सोच लेता है कि इनका ऑपरेशन हुआ है, इनको कम दिखता होगा। तो मक्कारी में क्या करता है, जानबूझ कर दो सेव सड़े चढ़ाता है, दो सेव पूरे सड़े चढ़ा देता है, और तीसरा सेव भी आधा सड़ा चढ़ाता है। बाबा जी जब रुपया देते हैं फुटकर फुटकर कुछ, तो वो कहता है, ये क्या, ये आपके कितने सड़े सड़े नोट हैं? ये 20 वाला नोट तो आपका बिल्कुल मैं 17 ही मिलूंगा, ये बहुत सड़ा, ये बहुत सड़ा। तो बाबा चिल्ला चौथी सोच के कहते हैं, चलो तुम 17 ही में ले लो, और ले लो हमसे रुपये। बाबा किसी तरह चीगा चूगी अपने घर पे आते हैं। उनकी पत्नी कहती है कि लाए सेव? कि हाँ लाए, कि काटो। तो सेब काटती है, पहला सेव सड़ा, फिर दूसरा भी सड़ा, तीसरा में दो ही कली सही निकली, पूरा सड़ा। तो वो बाबा से कहती है कि ये तो पूरे सड़े निकल गए अब। तो बोलते हैं कि अभी मैं जाता हूँ। बाबा जी किसी तरह बड़े मुसीबत से सेव वाले के पास जाते हैं, और एकदम आंसू भर के कहते हैं कि मेरा 20 का नोट सड़ा था, खराब था थोड़ा सा, तो तुमने 17 में ले लिया, कि 17 मिलेंगे, और ये तुम्हारे तीनों के तीनों सेव सड़े निकल गए, इसका क्या होगा, इसका कौन जवाब देगा बताओ। तो सेव वाला कहता है, मैं क्या सेव में घुसा बैठा हूँ, मुझे क्या पता। तो वो बोलते हैं कि ग्राहक यहाँ पे आते हैं, वो अपनी मेहनत की कमाई एक एक रुपया किसी तरह से अपने अपने परिवारजनों के लिए फल खरीदते हैं, और तुम जानबूझ के उन्हें फल सड़े देते हो, और तुम सब फल वालों का यही हाल आजकल चल रहा है। मैंने पिछली बार भी सेब लिए थे ये पड़ोस वाली से, उसने भी मेरे साथ यही हरकत की, क्या हम गरीब लोग फल खाना छोड़ दें? तो फिर वो किसी तरह मन मायूस करके अपने घर आते हैं, और डॉक्टर साहब कहते हैं, क्यों बाबा जी, थोड़ा बहुत फल वल खाते रहा करो, स्वस्थ रहोगे। तो कहते हैं, बाबा जी नहीं भाई, सरकार हमें जो अन्न दे रही है, हम तो बस उसको शांति से खा के ही शांति से सही है, हम उसी से स्वस्थ रहेंगे। ये फल वल हम गरीबन के लाए नहीं होते हैं, ये फल तो भाई अमीर नहीं के लाए होते हैं, और सही कहो तो सोना सुनार को, और फल फल वालन को।